साथियों, पूरे देश के लिए बहुत गंभीर समय चल रहा है। देश के उत्तर भारत के सभी राज्यों के किसान दिल्ली आ रहे हैं। पंजाब से दसियों हजार किसान दिल्ली आकर दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। लाठियों, डंडों, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोलों सबका सामना करते हुए, हरियाणा पुलिस के डंडों का सामना करते हुए अब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। दिल्ली की पुलिस किसान को दिल्ली में घुसने नहीं दे रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसानों से शर्त रख रहे हैं कि आप बुराड़ी में आके बैठिए तो मैं आपसे बात करूंगा। पुलिस और किसान के बीच में हर पल कानून व्यवस्था के सवाल अगर उठते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसके जिम्मेदार होते हैं, उनकी जवाबदेही होती है। लाखों किसान अमित शाह के पास कब समय निकलेगा बातचीत का, इसके इंतजार में बैठा है। और मैं हैरान हूं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अमित शाह जी दिल्ली से हैदराबाद गए हुए हैं, हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। मैंने कभी सुना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, देश का गृह मंत्री पार्षदों के चुनाव के लिए रोड शो निकाल रहा है हैदराबाद में। करीब 15 मिनट से उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसके ऊपर वो बता रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर जो गड्ढे हैं और हैदराबाद में जो जलभराव की समस्या है उससे वो कैसे निपटारा देंगे। देश का गृह मंत्री ये काम कर रहा है। मुझे लगता है देश में आजादी के बाद इस तरीके के गृह मंत्री कभी नहीं मिले जो इतनी संवेदनशील, इतनी सीरियस सिचुएशन को छोड़कर वो हैदराबाद के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। कल तक अमित शाह किसानों को उपदेश दे रहे थे कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली में कोरोना फैल जाएगा, और अमित शाह जी अभी अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते आ रहा हूं वो क्या कह रहे थे, दोस्तों मेरे रोड शो के अंदर एक इंच पैर रखने की जगह नहीं है। वो अपने रोड शो के बारे में बता रहे हैं, मतलब लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। तो कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? और ये देश का गृह मंत्री गर्व से बता रहा है कि मेरे रोड शो में एक इंच पैर रखने की जगह नहीं है। और किसानों के प्रदर्शन के नाम पे यहां पे कोरोना का पाठ किसानों को पढ़ाया जा रहा है। ये दोहरापन है और एक गृह मंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मानते हैं कि इस तरीके के गृह मंत्री देश के लिए बहुत बड़े चिंता के विषय हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न? नहीं, बुराड़ी में किस भाजपा नेता की शादी हुई है मुझे बताइए, या तो उन्होंने कभी वहां पे टेंट लगा के बारात लगाई अपनी, क्या है बुराड़ी में है? बुराड़ी दिल्ली का आउटस्कर्ट है, या भाजपा वालों ने कभी प्रदर्शन किया हो जब अपोजिशन हो कि बुराड़ी में प्रदर्शन करते थे? ये तो निहायत ही छोटापन है कि देश के अन्नदाता को आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली के कोने में बुराड़ी में जाके बैठ जाइए, तो क्या उनके पास घर में जगह की कमी थी? जितने बड़े इन मंत्रियों को यहां पर मुफ्त के मकान मिले हुए हैं उनसे बड़े उन किसानों के पास खेत होते हैं, उनके पास जगह की कमी कोई ना, उनके पास कोई जगह की कमी नहीं है। वो दिल्ली आना चाहते हैं, केंद्र सरकार को अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं। तो इस तरीके की सौदेबाजी किसान के साथ नहीं होनी चाहिए। यह बहुत बहुत छोटापन है इस केंद्र सरकार का कि वो किसानों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं।
और मुझे लगता है किसानों को जहां पे भी दिल्ली के अंदर जगह चाहिए वो उन्हें जगह देनी चाहिए। दिल्ली सरकार उनके लिए इंतजाम करेगी, दिल्ली सरकार उनके लिए खाने पीने की, रहने की, शौचालय की, पानी की व्यवस्था दिल्ली सरकार करेगी। ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री किसानों को दिल्ली में आने दें। धन्यवाद।